हे गाइस, मैं आपका दोस्त अनुज कृष्णा शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस फोटोशॉप की क्लास पे। सो गाइस, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं या फिर आप आउटडोर फोटो एडिटिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जहां पर हम कैमरा और फिल्टर पे सिंपली एक फोटो को कलर ग्रेड करेंगे और एडिटिंग का जो भी प्रोसेस होता है उस फोटो के अंदर पे उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंदर ही सारा प्रोसेस को सीखेंगे। सो वेलकम बैक गाइस। तो गाइस, जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक इमेज को ओपन करके रखा है। ये बहुत ही परफेक्ट इमेज है, यहाँ पर आपका एक्सपोजर बहुत ही अच्छा है इमेज का। तो गाइस, अगर इस इमेज के अंदर पे हम कलर ग्रेड करना चाहें या अपने एडिटिंग प्रोसेस को देखें क्या कर सकते हैं इमेज के अंदर पे, तो चलिए अभी हम इसको चलते हैं अपने कैमरा और फिल्टर पे और आगे का प्रोसेस को समझने का कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे कलर ग्रेड करें या अपने एडिटिंग को और एक एक्स्ट्रा लेवल को कैसे पहुँचा सके। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्रोल जे कर लेता हूँ। कंट्रोल जे करने का मेरा मेन मोटिव यही है कि हमारे पास एक इमेज रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो लेयर है, ठीक है। अभी सिंपली मैं क्या करूँगा, फिल्टर पे जाता हूँ, यहाँ से कैमरा और फिल्टर पे जाता हूँ। तो हमारे इमेज में क्या है, एक्सपोजर बहुत ही परफेक्ट है। मैं यहाँ से जस्ट थोड़ा सा एक्सपोजर को डाउन कर लेता हूँ, जितना है ये देखिए डाउन किया मैंने। उसके बाद एक्सपोजर यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट था, डाउन करने का कोई भी जरूरत नहीं था, बट मैंने फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा डाउन किया है। थोड़ा सा अगर हम और चाहते हैं तो और डाउनलोड कर लेते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, सीधा एक्सपोजर को मैं बहुत ज़्यादा डाउन कर दूंगा और शेडो को बहुत ज़्यादा अप करूंगा। देखिए, ठीक है, यहाँ से देखिए हाईलाइट को मैंने 100% डाउन कर दिया है और शेडो को उठाया ऊपर अप किया है। अब अगर इमेज को मैं आपको दिखाऊँ, पहले ऐसा था इमेज, अभी देखिए इमेज बहुत ज़्यादा डिटेल्स आ चुके हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा अपने टेक्सचर को इंक्रीज कर देता हूँ इमेज पे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टेक्सचर को बढ़ाए या ना बढ़ाए, ये आपके ऊपर है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो वाइब्रेंस है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब इमेज को देखिए, हमारा ये पहले का इमेज था, आपको दिखा दूँ, और ये बात का इमेज है। अभी हमको सिंपली यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद अभी देखिए हमारा जो स्किन कलर है बहुत ज़्यादा डार्क है, तो हम उसको इन्हेंस कर देते हैं। देखिए ये देखिए परफेक्ट। और हमारा जो ये ड्रेस का कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया था, हम उसको डार्क ब्लू मतलब पर्पल को यहाँ से डाउन करेंगे तो देखिए, और मर्जेंटा को थोड़ा सा डार्क करेंगे तो ये प्रॉपर जो हमारा पहले का जो ड्रेस का कलर था उस पर आ गया। अभी हमारा जो ग्रीन कलर है उसको हम हल्का सा डाउन कर लेंगे, थोड़ा सा -13 रखता हूँ यहाँ पर। तो गाइस, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कलर ग्रेडिंग के लिए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको कैमरा और फिल्टर में खोलना है और कुछ बेसिक से सेटिंग्स करने हैं जिससे आपका इमेज बहुत ही फैंटास्टिक लगेगा, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। अभी सैचुरेशन पे आते हैं। अभी सैचुरेशन पे आने के बाद अगर हम ऑरेंज को थोड़ा सा माइनस कर देते हैं तो देखिए इसका स्किन का जो कलर है ये वाइट की तरफ चला जाता है, तो ये बहुत ही परफेक्ट है। उसके बाद गाइस, अभी देखिए हमारा जो ग्रीन कलर है उसको मैं बढ़ा देता हूँ और यहाँ से ब्लू कलर को भी हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पर आता है हुई का ऑप्शन। हुई पे अब हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो कलर है ग्रीन इसको हम चेंज करते हैं, हम ग्रीन को यहाँ पे डार्क टाइप के ग्रीन की तरफ ले चलते हैं। देखिए इस टाइप के ग्रीन की तरफ ले चलते हैं और यहाँ से हमारा जो स्काई का कलर है यानी ब्लू उसको हम चेंज करते हैं। देखिए अभी हमारे पास एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है, तो हम इस तरफ की तरफ ये ले जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो ब्लू का कलर है आप देखिए, ये देखिए परफेक्ट। यहाँ से हम थोड़ा सा अगर ब्लू का कलर को हम डाउन कर देते हैं तो आप देखिए थोड़ा सा यहाँ से अगर वाइब्रेंस को और बढ़ाएंगे तो अपने इमेज को देख सकते हैं आप। और यहाँ से सिंपली थोड़ा सा हम एफएक्स को डाल देते हैं। तो गाइस, अगर मैं यहाँ से हाइड करके दिखाऊं आपको, ये देखिए हमारा इमेज। अभी हम यहाँ पे अगर मैं यहाँ से और एक ऑप्शन हम कर सकते हैं, यहाँ से जो हमारा क्लियरिटी है इसको बढ़ा दीजिए, आप इमेज और ज़्यादा परफेक्ट आपको दिखने लगेगा। तो यहाँ से हम एफएक्स को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एडिटिंग है। अभी हम इसको सिंपली ओके पर हिट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो रॉ पहले इमेज था कुछ ऐसा था, उसके बाद हमने ऐसे एडिटिंग करके इसको क्रिएट करा। ये देखिए अभी हमारा इमेज बहुत ही ड्रामेटिक चेंज हो गया है। अभी गाइस सिंपली हमको स्किन एडिटिंग करना है, तो कंट्रोल जे करते हैं। कंट्रोल जे करने के बाद यहाँ फिल्टर पे आते हैं और यहाँ से फोटो टूल बॉक्स और यहाँ से हम स्किन फाइनर का एप्लीकेशन जो है इसको ओपन करेंगे। तो गाइस, स्किन फाइनर एप्लीकेशन अगर आपके पास है या नहीं है तो ये आपको डाउनलोड कर सकते हैं आप मेरे वेबसाइट से। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है जहाँ से आपको लिंक मिलेगा स्किन फाइनर का, और आप मेरे वेबसाइट पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो का जो प्रोसेस है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्किन ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्शन जो है हमारा दिखा रहा है। मैं यहाँ से स्मूथनेस को बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैं यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ा दूंगा अपनी इमेज का। यहाँ पे देखिए परफेक्ट, और थोड़ा सा फाइन को भी यहाँ से हम इंक्रीज करते हैं, तो ओके पर हिट कर देते हैं सिंपली। तो हमारा जो स्किन का स्मूथ जो था वो हो चुका है। अभी हमारा इमेज पे थोड़ा सा मुझको लग रहा है लेबल को बढ़ा देना चाहिए, तो मैं यहाँ से लेबल का एडजस्टमेंट लूंगा
और इस साइड से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, देखिए ये देखिए परफेक्ट। और ब्लैक का जो है इस साइड से मैं 3 रखूंगा। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा ये पूरा जो एडिटिंग है ये, अगर मैं इस तीनों लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई करके मार्च कर दूं, तो आप देखिए ये हमारा रॉ इमेज है और ये हमारा एडिटिंग है। अगर मैं सिंपली यहाँ से इस पार्ट को अगर डिलीट कर दूं ऐसे करके, तो आप देख सकते हैं कि हमारा पहले का इमेज कुछ इस टाइप का था और एडिटिंग के बाद कुछ इस टाइप का। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल है, जहां पर आप अपने इमेज को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो आप जरूर कॉमेंट भी करें। तो चलिए गाइस आज के लिए विदा लेते हैं, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोग घर पर रहिए, सेफ रहिए और बहुत ही अच्छा अच्छा क्रिएट करिए अपने फोटो के साथ, तो और क्रिएटिव बनिए। चलिए आज के लिए विदा लेते हैं।